हमारे यहाँ वेद प्राचीन वाङ्मय है। वेद के 6 अंग हैं, उनमें एक मुख्य अंग है व्याकरण है। व्याकरण के लिए आदि काल से ही अनेक ऋषि हुए हैं, उनमें सबसे प्रसिद्ध ऋषि हुए हैं पाणिनि जी। पाणिनि जी ने इतना सुंदर व्याकरण बनाया जिसका नाम अष्टाध्यायी है, 8 अध्यायों में 32 पादों में व्याकरण बनाया। उन्हें पूरे भाषा के शब्दों को हम कैसे सिद्ध करेंगे इसके नियम बनाए। नियम बनाने के बाद पाणिनि जी के बहुत बाद कात्यायन ऋषि हुए, उन्होंने देखा कि भाषा में कुछ परिवर्तन आ गया है, इसमें कुछ और संशोधन अपेक्षित है, उन्होंने कुछ और उसमें जोड़ा, कुछ घटाया, वार्तिक लिखा। कात्यायन जी के बाद आए पतंजलि मुनि, उन्होंने पाणिनीय सूत्रों की व्याख्या की, भाष्य लिखा, महाभाष्य जिसको हम कहते हैं। 85 आहनिक में आज भी सबसे विशाल काय ग्रंथ उपलब्ध है। उस महाभाष्य में उन्होंने सारे पक्षों का विस्तार से विचार किया है, किस सूत्र में क्या गलत है, गलत तो नहीं कह सकते, मतलब किसकी आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता नहीं है, क्या इसमें खंडन करने योग्य है, क्या स्वीकार करने योग्य है, पूरा विस्तार से विचार कर दिया है। और तीनों मुनियों के बाद जो व्याकरण का रूप तैयार होता है, पाणिनि का तान पतंजलि जिसको हम त्रिमुनि व्याकरण कहते हैं, उस व्याकरण को हम पाणिनीय व्याकरण कहते हैं। और उस व्याकरण से ही सारे शब्दों का साधुत्व हो जाता है। वैसा अद्भुत व्याकरण आज तक कहीं नहीं बना, ये हम नहीं कह रहे, विदेशी विद्वानों ने भी कहा है कि हाँ पाणिनि का जो मस्तिष्क था वैसा मस्तिष्क आज तक कहीं नहीं हो पाया। अब इसमें पाणिनीय व्याकरण उनके अनुसार, क्योंकि कुछ लोग काल इतिहास की तरह बात करते हैं कि 2500 वर्ष से समस्या थी, भारतीय इतिहासकारों का देखेंगे तो लगभग 5000 वर्ष पाणिनि पहले हुए। उनका अब ये कहना है कि पाणिनि तो ठीक थे, लेकिन पाणिनि के बाद जो कात्यायन मुनि आए और कात्यायन मुनि के बाद जो पतंजलि मुनि आए, इन्होंने जो सूत्रों की व्याख्या की है कई जगहों पर, या भी प्रतिषेधे परम कार्यम में विशेष रूप से जो व्याख्या की है वो सर्वथा गलत है। पाणिनि कात्यायन ने गलत किया, पतंजलि ने गलत किया है। और पतंजलि मुनि के बाद से लेकर आज तक सैकड़ों विद्वान, हजारों विद्वान हुए होंगे, सैकड़ों ग्रंथ लिखे गए होंगे, उन्होंने एक स्वर में कह दिया कि सारे के सारे गलत लिखे गए हैं। अच्छा, गलत लिखे गए हैं तो आप सही बता दीजिए क्या है। तो उन्होंने जो सही बताया है वह सही, पीएचडी 27 वर्ष की अवस्था उन्होंने बताया है। हमारे यहाँ जो इंटर और हाई स्कूल का लड़का होता है वो भी जानता है कि वो क्या है, जो उन्होंने बताया है उनसे खुद शब्द नहीं बन पाएगा, खुद वो असफल है।